जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि इसी महीने में नवंबर में आपके ऑनलाइन नोटिफिकेशन आ जाएंगे, फिर आपके दिसंबर में फॉर्म अप्लाई होना क्या स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्त, अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो तैयारी में क्या है, जुट जाओ, अच्छे से तैयारी में जुट जाओ, नहीं आने वाले टाइम पे आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, क्योंकि कंपटीशन आने वाले टाइम इतना हाई लेवल पे होगा। इस बार जो है ना, मुकाबला आपका टक्कर का होगा। अगर जो बंदा टिक के तैयारी करेगा, आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ा योद्धा रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। अभी आपके पास कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे टाइम दीजिए पढ़ाई के लिए, 3.5-4 घंटे टाइम दीजिए। फिर उसके बाद जैसे आप घर पे टाइम नहीं दे सकते, मैं बहुत जल्द ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है। ऑफलाइन जब क्लास स्टार्ट होगी, आपको जो बाहर के बंदे वो भी उनके लिए रहने के खाने की पूरी पूरी सुविधा रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके कम से कम जो यहाँ पे टिकेंगे आएंगे बंदे, हॉस्टल में रुकेंगे, उनके लिए कम से कम 8 घंटे, ओनली 8 घंटे क्लास रहेगी, हर रोज प्रैक्टिस सेट रहेगा, और उनको रनिंग की भी सुविधा रहेगी। रनिंग के लिए वर्कआउट, उनको हल्का वार्म अप वर्कआउट चलता रहे, ताकि उनकी रनिंग भी अच्छी रहे। ठीक दोस्त, अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 9 बजे क्लास आती है दोस्त, 9 बजे क्लास मैथ की भी लीजिए, रंजीत सर लेके आते हैं, शुक्ला सर, संतोष शुक्ला सर जी लेके आते हैं, 2 बजे जीके जीएस की थ्योरी क्लास रहती है, वो क्लास लीजिए। फिर उसके बाद बहुत जल्द जो साइंस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट, ये सारी क्लास आप सबके बीच में बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। लेकिन आप बंदे को जोड़ते रहिए, क्लास लेते रहिए यार, क्लास लेते रहिए बस। आइए दोस्त, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अभी आज 38 क्वेश्चन, क्या 38 क्वेश्चन चल रहे हैं, 38 प्रैक्टिस सेट चल रहा है, 38 वीडियो चल रहा है, 38 क्लास चल रही है दोस्त। उसके बाद जो भी अभी तक क्लासें हुई हैं, वो सारी क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जाके क्लास देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्लास देखते हैं क्लास कौन सी है। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्त आपका, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों, मैं देखता हूं आपका फर्स्ट क्वेश्चन का, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम थे, कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम थे। प्यारे दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, जो अब तक पेपर में क्या है पूछे गए हैं, 2000 से लेके अब तक सारे क्वेश्चन ये सब पूछे गए हैं। फीफा किससे संबंधित है, फीफा किससे संबंधित है, फुटबॉल से, क्या है फीफा, एक फुटबॉल क्लब, फीफा किससे संबंधित है, फीफा आपके फुटबॉल से संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय दोस्त कहाँ स्थित है, आप तब तक कमेंट करके जरूर बताइए कहाँ स्थित है दोस्त, आपको लगाना है कि लंदन में स्थित है। ऑस्कर पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में प्रथम बार भारत, क्या प्रथम बार, क्या ये क्वेश्चन, प्रथम बार भारत के किस व्यक्ति को मिला था, किस व्यक्ति को मिला था, आप कह सकते हो A.R. रहमान जी को मिला था, किसको मिला था, A.R. रहमान जी को मिला था। दोस्त, अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्या है आपके ओरिजिनल क्वेश्चन है, हर बार जो बड़ी बड़ी एकेडमी है यही क्वेश्चन उठा के आपको दे देते हैं, यही रटाते हैं, और मैथ आके पढ़ा के चले जाएंगे, रीजनिंग पढ़ा के चले जाएंगे, और सब आपको यही क्वेश्चन रटाएंगे, आपसे 60 से 70 हजार रुपए लूट लेंगे, ले लेते हैं। मगर जब से मैं जब से क्लास चला रहा हूं ना, हम पे प्रेशर आता है, क्या कर लोगे, फ्री देके क्या कर लोगे, कुछ नहीं मिलेगा। मैं दोस्त कसम खा चुका हूं, पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा फ्री रहेगी जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक ये चैनल जिंदा रहेगा दोस्त, पूरी शिक्षा फ्री रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंचाई का सबसे सरलतम साधन किसे किससे है, सिंचाई का, आइए सिंचाई का सबसे सरलतम साधन किससे है, तो क्या है आप वनों का संरक्षण, क्या है वनों का संरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं पहले साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, ये है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ कौन था। पुर्तगालों का आगमन भारत में किस वर्ष हुआ था,
पुर्तगाल भारत में किस वर्ष आए थे, ये भी क्वेश्चन बनता है। पुर्तगाल भारत का आगमन कब हुआ था, कब आए थे, तो आपको कहना है कब आए थे, 1498 ईस्वी में आए थे। कहाँ आए थे, 1498 ईस्वी में आए थे। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है, दोस्त आपको लगाना है कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है। लेकिन आप चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने उन साथियों को जरूर जोड़िए जो साथी फौज की तैयारी करते हैं, आपको और भी क्लास चलती है, वो क्लास लेना ना भूलें। ये आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है साथियों, ये देख सकते हो सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। दक्षिण भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, दक्षिण क्या है, दक्षिण भारत में कहां बहती है, ये दक्षिण भारत में बहती है, कहां बहती है, दक्षिण भारत में बहने वाली सबसे लंबी क्या है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको लगाना है दोस्त गोदावरी है। क्या है, गोदावरी है। आपको ये सब क्वेश्चन देख के चलना है, ये सारे क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं दोस्त, ये आ गए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट वाला राज्य कौन सा है, तो आपको लगाना है दोस्त उत्तर प्रदेश है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। भारतीय सेना के मुख्य लड़ाकू टैंक का क्या नाम है, भारतीय सेना के मुख्य लड़ाकू टैंक का क्या नाम है, दोस्त आपको लगाना है कौन, क्या नाम है, अर्जुन नाम है। क्या नाम है, अर्जुन नाम है। आइए और देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई क्या है, आरटीआई का कब पारित हुआ, आरटीआई कब पारित हुआ, कब यानी कि कब पारित हुआ, आपको लगाना है 2005 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में कब पारित हुआ था, आरटीआई कब पारित हुआ था, 2005 ईस्वी में पारित हुआ था। साथियों उम्मीद करता हूं क्लास जरूर लाइक करिए, क्लास को जरूर लाइक करिए, अच्छे से लेते रहो, अभी आपके पास टाइम है, अभी से तैयारी में जुड़ जाओ, क्योंकि दिसंबर में आपके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। क्या है, फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। किसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था, किसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था दोस्तों, आपको लगाना है किसने किया था, अरबी ने किया था। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, आपको बता सकते हो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है दोस्त, आप लगा सकते हो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है। कहाँ स्थित है, श्रीहरिकोटा में स्थित है। ये आपके रहे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं, ये आ गए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त। लेकिन आप चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये क्लास कब तक चलेगी, जब तक आपके पेपर ना हो जाएं, पूरे हिंदुस्तान के पेपर ना हो जाएं, जब तक भारत के सारे एआरओ के पेपर ना हो जाएं। शीतल पेय में कौन सी गैस भरी जाती है, शीतल पेय में कौन सी गैस भरी जाती है, आपको लगाना है CO2 कौन सी, क्या नाम है CO2 का, क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड है। वाट किसकी इकाई है, वाट किसकी इकाई है दोस्त, आपको लगाना है वाट किसकी इकाई है, वाट शक्ति की इकाई है। क्या है, शक्ति की इकाई है। जब किसी घड़ी में चाबी भरी जाती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जब किसी घड़ी में चाबी भरी जाती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, प्यारे दोस्त आपको लगाना है कि स्थित ऊर्जा उत्पन्न होती है, कौन सी ऊर्जा, स्थित ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या भाई सर जी आ गए, ओके तो जल्दी एक मिनट में क्लास खत्म हो रही है। कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, स्थित ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये तो यार अपना प्यार है, चलता रहता, कोई दिक्कत नहीं, इतने डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है दोस्त है? आप सब बहादुर आदमी हो यार, बात से जब डिस्टर्ब हो जाओगे तो उसमें गोली भी चलाना पड़ता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक इस्तेमाल किया जाता है, विद्युत
घंटी में कौन सा चुंबक इस्तेमाल किया जाता है? विद्युत चुंबक। कौन सा विद्युत चुंबक इस्तेमाल किया जाता है? भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? सिस्मोग्राफ। क्या? किसमें? सिस्मोग्राफ में मापी जाती है। कौन से ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल का मान बराबर होता है? कौन से ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल का मान बराबर होता है? तो क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस। क्या है प्यारे साथियों? 40 डिग्री सेल्सियस है। ऑक्सीजन बनने के लिए किस रसायन का उपयोग होता है? ऑक्सीजन बनने के लिए किस रसायन का उपयोग होता है? तो साथियों आपको लगाना है सोडियम क्लोराइड। क्या लगाना है? सोडियम क्लोराइड लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज का लास्ट क्वेश्चन देखता हूँ कि लास्ट क्वेश्चन कौन से हैं दोस्त। आइए हम देखता हूँ लास्ट क्वेश्चन आपके कौन से लास्ट पेज के। ये आगे सारे क्वेश्चन। कौन सा परिवर्तित तना है? आलू है। ध्वनि का अधिकतम वेग होता है क्या होता है? ठोस होता है। क्लोरीन का संकेत है सीएल है। कौन सा है? सीएल है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बाजपन होता है। कौन सा होता है? बाजपन होता है। चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। प्यारे साथियों ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कौन से हैं? ये नेक्स्ट क्वेश्चन हर रोशनी में रखा एक लाल रिबन कैसा दिखेगा? किस कैसे दिखेगा? ये क्या है यार? हरा? ये हरा है यार। ये क्या है आपका? हरा है। ठीक, वही मैं सोच रहा था यार, टाइपिंग में गलती है। हरा रोशनी में रखा एक लाल रिबन कैसा दिखेगा? कैसे दिखेगा दोस्त? आपको लगाना है कि लाल दिखेगा, काला दिखेगा। क्या? कैसे दिखेगा? काला दिखेगा। रेप्टाइल ऊंचे तापमान में अपने अंडों से केवल पुरुष बच्चों का प्रजनन करती है। क्या करती है? तो प्यारे दोस्त आपको लगाना है छिपकली करती है। जब नाइट्रोजन हवा में जलती है तो क्या उत्पन्न होता है? तो आपको लगाना है अमोनिया उत्पन्न होता है। दोस्त ये 30 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आप नोट्स बनाते चलिए। जब आप अभी से नोट्स बनाते रहोगे आने वाले टाइम पे आपको आसानी रहेगा दोस्त। ठीक है साथियों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।